एक कटोरी में मैदा ले लेंगे और उसमें अच्छे से घी डाल के मोहन डाल लगा के उसमें और उसको अच्छे से गूंथ लेंगे। मोहन अच्छा सा लगा लेना घी से और उसे गूंथना है। गूंथ के किसी भी एयरलॉक डिब्बे पे उसे कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए लॉक करके रख देना है। थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डालना है इसमें और फिर मोहन लगा के अच्छे से गूंथ लें। अब ये गूंथ के तैयार हो गया है। अभी मैं इसको एयरलॉक डिब्बे में डाल के रख दूंगी। ये मोदक की सारी सामग्री है जिससे हम मोदक को तैयार करेंगे। अभी इसके बाद ड्राई फ्रूट्स थोड़ा सा भून लेंगे, थोड़ा सा ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे। अब मावा, नारियल का बूरा, ड्राई फ्रूट्स, चीनी, इलायची सब आपस में मिक्स कर लेंगे। नारियल और ड्राई फ्रूट्स थोड़ा ठीक से अच्छे से डालेंगे। अब मोदक बनाने का भरावन जो हम मैदे के पेस्ट के अंदर भरेंगे तैयार है। मैदे के आटे में थोड़ा सा जो मैदा का गूंथा हुआ है उसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा एक एक चुटकी दोनों को मिक्स कर लेंगे, अच्छे से गूंथ लेंगे। छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाएंगे, फिर उसके अंदर जितना मावे का बैटर है उसको भर के मोदक का शेप देके उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए ऐसे शेप देके उसको थोड़ा सा घुमा देंगे तो ऊपर से थोड़े से घूमे घूमे से लाइन लाइन से शेप आ जाएंगी और उसको अच्छे से पका लेना है। धीमी आंच में पकाना है उसको घी से। अब मोदक बनके तैयार हैं बप्पा के खाने के लिए, तो बस फिर इसका भोग लगाएंगे और एक बार बोलेंगे गणपति बप्पा मोरया। तो वीडियो को हर वीडियो को लास्ट तक देखिए, इससे अच्छे से समझ में आएगा। और उसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ शेयर भी करिए। बप्पा का भोग लग गया है, अब बप्पा मोदक का स्वाद लेंगे। आप भी बनाइएगा, टेस्ट करिएगा, बप्पा को भी टेस्ट कराइएगा। तो देखिए अंदर से कितने जूसी हैं, आप देखिए बहुत ही टेस्टी हैं। तो वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।